गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं निधि फ्रॉम निधि अभी चैनल। एंड गाइज आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ फेस सीरम मास्क का गाइज फुल रिव्यू, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो फेस मास्क होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाने में। जो हमारी स्किन डल हो जाती है उसको भी वो ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है फेस जो होता है गाइस। एंड जो फेस मास्क सीरम फेस मास्क होता है तो वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है हमारी फेस के लिए, हमारे फेस को लाइट एंड ब्राइट बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं वही आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, फुल रिव्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ गार्नियर का सीरम मास्क साकुरा वाइट, इफ़ यू कैन सी इट गाइज, ये बहुत ही अच्छा है गाइज सीरम फेस मास्क, बहुत अच्छा है। मैं इसको लास्ट 2 to 3 times से कंटिन्यू मैं इसको यूज़ कर रही हूँ गाइज, काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिजल्ट मिला है गाइज। साकुरा वाइट है, साकुरा वाइट एक फ्लावर होता है गाइज साकुरा, जो कि जापान का आई थिंक वो नेशनल फ्लावर होता है जापान का। तो ये फ्लावर हमारे स्किन के लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे हम रोज़ वाटर यूज़ करते हैं रोज़, हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है हेल्पफुल। तो इसी तरीके से गाइज ये साकुरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। तो ये है गार्नियर स्किन नेचुरल का सीरम मास्क साकुरा वाइट गाइज, सुपर हाइड्रेटिंग पिंकिश ग्लो टिश्यू मास्क। एंड गाइज इसके साथ आपको एक टिश्यू भी साथ में इसके मिलेगा, तो ये इस वजह से काफ़ी इजी होगा आपको अप्लाई करने में। एंड डल, यू कैन सी इट गाइज, लिखा डल स्किन एंड लैक ऑफ ग्लो गाइज। जब हमारी स्किन कभी कभी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, हम कितना भी ट्राई कर लेकिन स्किन में ग्लो नहीं आ पाता है, तो उस ड्यूरिंग हमें कुछ ऐसा अप्लाई करना चाहिए कि अगर हम अप्लाई करें लाइक हम ये सीरम जो फेस मास्क है इसको अप्लाई करेंगे, तो आपकी स्किन में जो डलनेस होगी ना गाइज वो 100% रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी, टाइटनिंग आपकी स्किन होगी। बट हाँ गाइज, आपको ये फर्स्ट यूज़ से नहीं, पर हाँ फर्स्ट टाइम जब इसको यूज़ करेंगे ना गाइज, तो यूज़ करने के बाद आपको एक अलग ही ग्लो लगेगा अपने स्किन में। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा ये आपके लिए होगा। इसमें लिखा हुआ है 1 mask = 1 week ऑफ सीरम, मतलब कि 1 mask, आप इसका 1 mask यूज़ करते हैं वो आपको पूरे 1 week का सीरम देता है इसका 1 mask। एंड ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये परफेक्ट है। तो गाइज आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन के लिए सुटेबल होगा या नहीं गाइज। तो ये भी परफेक्ट है कि आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड अब हम बात करते हैं इसके MRP की। तो गाइज आपको ये 99 rupees में मिल जाएगा, 99 rupees में आपको ये 32 gram मिलेगा। तो काफ़ी ईजी, मतलब कि मुझे तो लगता है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। एंड जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 419 से गाइज 422, इट मीन्स आप इसको अप्रैल 2022 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं ईजली। तो शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। एंड जो इसकी MRP है वो भी मैंने आपको बता दिया, 99 rupees इसकी MRP है एंड 32 gram आपको ये मिलेगा। आप इसको अगर परचेस करना चाहते हैं ना गाइज, तो मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पे एक बार इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। रेगुलर यूज़ करने से ना गाइज आपकी स्किन पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक डलनेस स्किन, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स ना धीरे धीरे एकदम से रिमूव हो जाएंगी। गाइज मेरे फिर से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, तो मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई की, हालांकि मैं डार्क सर्कल्स तो चले ही गए थे बट मैंने इसको भी ट्राई किया था, तो मतलब कि डार्क सर्कल्स की गाइज आपके फेस की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ट्रस्ट मी गाइज। गाइज इसको अप्लाई करने के लिए ना आपको 4 to 5 processes फॉलो करने होंगे, जो कि काफ़ी ईजी हैं, आप इसको ईजिली अप्लाई कर सकेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको करना है, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है, क्लीन फेस पे ही आपको कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। देन आपको करना है अप्लाई कर लेना है इस शीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करना है, देन रिलैक्स होना है। अप्लाई करने के बाद आपको रिलैक्स हो लेना है, ये नहीं कि आप अप्लाई करने के बाद कुछ वर्क कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, डोंट डू एनीथिंग गाइस, रिलैक्स होइए। देन आफ्टर 15 minutes रिमूव इट, आप इसको रिमूव कर दीजिए, पील ऑफ करिए एंड देन जेंटली मसाज करिए, जो भी सीरम की एक्सेस होगी आपके फेस पे उसको आप जेंटली मसाज कर दीजिए एंड उसके बाद आप कॉटन से वाइप कर दीजिए। ये 4 to 5 processes में आप इजिली इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी गाइस देखो 4 to 5 processes इसमें भी बने हुए हैं, यू कैन सी। तो ये पूरा सेशन ही आपके लिए हेल्पफुल। तो गाइज इसको तो मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से गाइज, इसको मैं किया है तो
देखिएगा जरूर आप लोग, लिंक मैं दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे एक बार चेक जरूर करिएगा गाइज। सो गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।